अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, ठीक है। तो आज हमारे पास एक ऑर्डर है $44 का, ठीक है। तो उसकी डिटेल कुछ यूं है, ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं। क्लाइंट्स ने यहाँ इसका टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। टेक्स्ट जो है ना, मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ साइज फॉर्मेटिंग में जाके। यहाँ आप इजीली अगर रीड कर सकते हैं यहाँ पे, तो फिर तो ठीक है, फिर रीड कर लें, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी का मॉडल है 2007 GMC सवाना, ठीक है। तो वो उसने लोगो एक दिया है यहाँ पे, मैं आई कम अप विद ऑन डिज़ाइन बट आई डोंट हैव अ प्रॉपर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर टू कम्प्लीट द मॉकअप। Another note, I hope to see be what we have to looking with something. उसने एक लोगो दिया है और एक फ़ोन नंबर और एक वेबसाइट जो कि उसने बोला है, लेकिन दी नहीं है, और कुछ तस्वीरें भेजी हैं यहाँ पे। ये दो इसकी तस्वीरें हैं और ये उसने कुछ पत्ते साथ दिए हैं, ठीक है, भेजने के लिए। और ये जो लोगो उसने दिया है, ये वाला, ये नीचे डबल क्लिक करते हैं इस लोगो को, आप हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये लोगो सिर्फ क्लाइंट ने दिया हुआ है, ठीक है, और कोई चीज़ क्लाइंट ने दी नहीं है। उसने कहा है कि लोगो में से ही आप चीज़ें निकाल लें। तो गाड़ी का जो मॉडल है वो यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा है नेट से, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। ये ट्रेस के भी रखा हुआ है ये। तो हम क्या करते हैं, इसका मॉडल वैसे ही आपके सामने अभी मैं दोबारा शॉर्ट आउट कर लेता हूँ। ये वाला मॉडल है इसका, कार्गो वैन है। तो यहाँ हम गूगल में आप इसका जस्ट आप इंटर करें और इमेज के अंदर चले जाएं, और जो वैन आपको दिखाई दे रही है कार्गो वैन, ये भी ठीक है, ये वाली गाड़ी है इसकी बेसिकली। तो ये 2007 है, बिल्कुल 7 मॉडल है, जीएमसी है, सवाना है, कार्गो है, बिल्कुल। इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, आई थिंक ये ऑलरेडी पहले भी मैंने सेव की है एक दफ़ा, ठीक है, लेकिन मैं दोबारा सेव कर रहा हूँ। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करने के बाद इसी को मैं डायरेक्टली अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, मतलूबा जो फोल्डर है, जो अकाउंट है, उसके फोल्डर के अंदर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। कंट्रोल वी करूँगा, रिप्लेस यहाँ पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, और इसको मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया है सेपरेट इलस्ट्रेटर। अब ये आर्ट बोर्ड को सेट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, क्लिप बोर्ड, और फिट टू आर्ट बोर्ड करूँगा, फिट टू आर्ट बोर्ड हो जाएगा। फिट टू आर्ट बोर्ड होने के बाद यहाँ से मैंने जूम कर लिया है और कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ये चीज़ कि बैलेंस हो जाए, कि ये यानी कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ से ये क्या है, ये गाड़ी का होल बना हुआ है, और ये गाड़ी भी कुछ थोड़ी सी गंदी लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। हमने क्या करना है, आपने इसी गाड़ी को डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर यहाँ ड्रॉप कर दें। इसको हम फोटोशॉप के अंदर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेट क्या करना है, जस्ट आपने ये वाला होल जो है इसको बंद करना है, ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके आल्ट के साथ ये एरिया बंद कर देना है, और ये जो पीस आप देख रहे हो, इस पीस को भी सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके इसको हमने यहाँ रख लेना है, ये भी सेट हो जाना है। और साथ ही हमने दोबारा इसी पीस को हमने यहाँ अगर रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली पीस सारे का सारा सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इसको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं, ये चीज़ अब बिल्कुल ब्राइट हो चुकी है। इसी को मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करूँगा तो डेफिनेटली वो PSD फाइल में सेव होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेव एज करूँगा इलस्ट्रेटर के अंदर ही, ये फाइल इसको ऊपर मैं रिप्लेस कर दूँगा। जैसे मैं रिप्लेस करूंगा, आप देखेंगे यहाँ से मैं विंडो में जाऊंगा, लिंक के ऊपर जाऊंगा, इसी फाइल को मैंने यहाँ पे क्या किया, दोबारा मैंने लिंक कर लिया। जैसे दोबारा लिंक किया, फाइल दोबारा वापस आ गई, एम्बेड को मैंने इसको क्रॉस को एम्बेड कर देना। एम्बेड करने के बाद अब मैंने इस गाड़ी को ट्रेस लेना है, सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा एहतियातन दोबारा, और इसको लिख लेता हूँ रैप डिज़ाइन। ये मैंने सेव कर लिया है, इसको भी सेव कर लिया। यहाँ से मैंने पेन टूल लिया है, ये यहाँ से इसको प्रॉपर जो ट्रेस करना है,
आपको पता है जो लोग इस चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल जो देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो व्हीकल रैप के हवाले से भी अपलोड की है और इस हवाले से पूरा कोर्स भी मैंने अपलोड किया है। यहाँ वापस आएँ मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है, ये प्लेलिस्ट के अंदर चले जाएँ, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे ये देखें, रैप डिज़ाइन कोर्स पूरा 7 वीडियो का कंप्लीट कोर्स मैंने सिखाया है कि कैसे चारों साइड व्हीकल की जो है ना वो हमने बनानी है। तो जो अभी तक नए हैं मेरे चैनल पे वो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है मैंने बना दिया कोर्स पूरा, वो कोर्स लेके पूरा व्हीकल रैप का कोर्स वो सीख सकते हैं और अपने फाइवर पे अपने व्हीकल रैप की गिग का आगाज जो है ना वो इजीली कर सकते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी मेरी वीडियो जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ, जिस पे कंपटीशन बहुत कम है, जिस पे आप ऑर्डर भी जो है ना कैसे लेना है, ऑर्डर ना आने की वजह क्या होती है, और ऑर्डर अगर हम रेगुलर किस प्रोसेस की मदद से हम ऑर्डर ले सकते हैं, वो फाइवर का कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है और बाकी मज़ीद वीडियो उसकी अपलोड आ रही हैं, हो रही हैं, दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है कोर्स, वो भी हमारा कोर्स प्लेलिस्ट में मौजूद है फाइवर का। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये 28 वीडियो हैं, 28 वीडियो फाइवर की, जो आप इसको देख के पूरा फाइवर की ट्रेनिंग ले सकते हैं, अकाउंट कैसे बनाना है, गिग्स को फर्स्ट पेज पे कैसे लाना है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसमें मैंने दिया है, जिस प्रोसेस से मैंने भी काफ़ी सारा सीखा है, इम्प्रूव किया है खुद को। अब ये मैंने कलर लगा दिया, कलर लगाने के बाद ओपेसिटी मैंने कम कर दी, ओपेसिटी कम करने के बाद मैंने जूम कर लिया, जूम करने के बाद मैंने यहाँ से मैंने ये जो ट्रेस वाला ऑप्शन है ये भी मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है यहाँ से। ये आपको प्रोजेक्ट दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लाइव जो है इस प्रोजेक्ट को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपने डिज़ाइन बनाने हैं, कैसे आपने अपने डिज़ाइन को फ्लो करना है, ग्रो करना है, कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो अब क्या है, ये उसका लोगो है, इस लोगो को मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद ये वाले जो फाइल ओपन है इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ये फाइल है इसको मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ रख लेता हूँ। अब देखें, अब हम क्या कहते हैं, रियल एस्टेट, एक आइडिया लेते हैं गूगल से, क्या लेते हैं, रियल एस्टेट व्हीकल रैप डिज़ाइन। अब रियल एस्टेट के जो आइडियाज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से, किस किस्म का कंसेप्ट होना चाहिए, क्या आइडिया होना चाहिए, इन लोगों के पास कैसे कैसे आइडिया मौजूद हैं, एक यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, या फिर आप एक वेबसाइट होती है पिंट्रस्ट, यहाँ चले जाएँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आप लिखें वैन रैप डिज़ाइन, आप इंटर करें तो वैन जो है, जितनी भी वैन हैं वो उनके रैप के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये डिज़ाइन एक आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये वापस हम आते हैं इसको वापस, और क्या लिखते हैं, यहाँ से आगे वापस आते हैं, हम लिखते हैं वैन रैप डिज़ाइन। ये गाड़ी जो है आप देख रहे हैं, ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त आइडिया है इसका, ठीक है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, नीचे इसके रेलिवेंट जो डिज़ाइन हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ये स्क्वायर वाला डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छा है, ये वाला डिज़ाइन है, तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन यहाँ मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इसी 3 पॉइंट के डिज़ाइन को हम लोग लेके आगे चलते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसी डिज़ाइन को मैं एक आइडिया के लिए स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, मैंने इसको स्क्रीन शॉट ले लिया और यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद मैंने इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर लिया है, मेक क्लिपिंग मास्क करने के बाद मैंने इसको यहाँ अपने पास रख लेता हूँ। अब मुझे पता होगा कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनाना है, क्या लेआउट बनाना है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने आर को यहाँ रख लेता हूँ, बड़ा स्टाइल, बड़ा डिज़ाइन। अब क्या है, उसने जो तस्वीरें हमें दी हैं वो ऑलमोस्ट 2 तस्वीरें हैं, इन 2 तस्वीरों को भी मैंने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों तस्वीरों को मैं इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक ट्राइंगल यूज़ करता हूँ, ये चीज़ ट्राइंगल यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल लेने के बाद मैंने इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ रख लिया है,
एक का ये कलर दे देता हूँ, एक का कलर मैं ये दे रहा हूँ। ये दो ट्राई एंगल मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, तीसरा ट्राई एंगल मैंने यहाँ रख लिया, ये तीन ट्राई एंगल मैंने रख दिए हैं। लोगो जो है वो मैं थोड़ा सा यहाँ छोटा कर रहा हूँ इस जगह पे, ये चीज लोगो मैंने यहाँ करके बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखें ये जो आर बना हुआ डिजाइन, मेरा ख्याल है ये वाला जो साइज है ना, ये मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं प्रोमिनेंट करके इसको यहाँ रख लूँ और इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आऊं दोनों डिजाइन। अब ये आर को मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, बिल्कुल आर यहाँ से बड़ा हो रहा है क्लियरली यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आगे वाला हिस्सा है वहां पे मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से मैं पेन टूल यहाँ रख रहा हूँ और इसको मैंने वापस इसको ऊपर से यहाँ से ट्रेस दिया है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे लेना है, इसमें कर्व डालना है, इसमें कर्व डालने के बाद इसका कर्व थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है और थोड़ा सा मैंने इसको पकड़ के भी थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना गाड़ी के आगे वाले हिस्से से। ये कर्व थोड़ा सा मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा और नीचे लेके आऊंगा यहाँ पे, ये जो कर्व है थोड़ा सा पीछे लेके आऊंगा इस जगह। अब मैंने क्या करना है, अब जरा बात जरा समझ लें, ये सबसे ऊपर गाड़ी को मैंने ऊपर कर दिया है और ये नीचे वाली जो है इसको लॉक कर देता हूँ, उसको भी लॉक करता हूँ। सबको सिलेक्ट करने के बाद मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। जैसे मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया है, ये देखें आप, ये जो ये तीनों बॉक्सेस वो भी गाड़ी के अंदर चलेंगे। डबल क्लिक करना है आइसोलेट मोड के अंदर, तो मैंने यहाँ से एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा दिया है और उसको मैंने पेज डाउन कर दिया। पेज डाउन मतलब ये जो जो ब्रैकेट्स हैं उनकी मदद से मैंने पेज डाउन कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको मैंने यहाँ थोड़ा सा नीचे कर दिया। इसकी मैं एक और कॉपी लूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ब्लेंड मोड में जाऊंगा, पाथ में जाऊंगा, ऑफसेट पाथ है, प्रीव्यू करूंगा। प्रीव्यू कितना लूंगा मैं, 2% का प्रीव्यू मैंने ले लिया है और मैंने कलर ये लगा दिया और ऊपर से मैंने इसको थोड़ा सा पकड़ के पीछे वाले को मैंने ऊपर कर दिया। तो ये कर्व एक लाइन बन चुकी है मेरे पास, ठीक है। कर्व लाइन के बाद ये जो लोगो है, डबल क्लिक यानी कि आइसोलेट मोड के अंदर ही मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको मैंने वापस एस्केप से बाहर आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो पिक्चर है, जो क्लाइंट की पिक्चर है वो मैं ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ ड्रॉप करने के बाद मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद मैंने क्या किया, इस पिक्चर को कट कर दिया, आइसोलेट मोड के अंदर चला जाता हूँ। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने इस पिक्चर को पेज डाउन करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। जैसे मैंने मेक क्लिपिंग मास्क किया है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि पिक्चर ऑटोमेटिकली उसके अंदर मूव हो चुकी है। ओके जी, अब ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पे, वही सेम प्रोसेस मैं वहां से प्लेस कर दें या आप जो है ना वो उठा के ले आए पिक्चर को, तो बात एक ही है। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पिक्चर भी मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया और पेज डाउन मैंने कर दिया है। पेज डाउन करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब ये पिक्चर भी हमारी यहाँ आ चुकी है। इस पिक्चर का कलर हमने कर दिया है ये वाला और इसमें एक और पीस हमने कॉपी लेके मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, उसका कलर मैंने कर लिया है ब्लू, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका एक और कलर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कलर मैं कर रहा हूँ ये वाला। तो ये चीज आ गई है, मेरा ख्याल है ये यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। दो तस्वीरें आ चुकी हैं, इन दोनों ये जो पिक्चर्स की मैं आउटलाइन बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, यहाँ से मैंने आउटलाइन दे दी। आउटलाइन देने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से ये आप इसको कलर मैं जो दे रहा हूँ आई ड्रॉपर के साथ मैंने ब्लू कलर दे दिया। ब्लू में थोड़ा सा मैं आउटलाइन और बढ़ा दूंगा। आउटलाइन बढ़ाने के बाद अब जो है फोन नंबर, एक डमी फोन नंबर और एक डमी वेबसाइट वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये मैंने ले लिया है www.building and design.com। तो यहाँ से मैंने इसको इस रुख पे कर लिया है। कलर मैंने इसको वाइट कर लिया है और फॉन्ट जो है वो मैं कोई भी दे देता हूँ।
अब क्या करना है, मैंने आइकॉन जो है, ये अक्सर सोशल मीडिया के आइकॉन हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड करके रखे हैं। यहाँ से डबल क्लिक करें, काफ़ी सारी मेरी वीडियो ये आइकॉन्स के ऊपर काफ़ी बनी हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं, आप थोड़ा सा अगर हिम्मत करेंगे सर्च करेंगे तो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ईमेल जो है, वेबसाइट का जो एड्रेस है वो मैंने यहाँ से एक आइकन ले लिया है। आइकन को मैंने इसको छोटा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा करने के बाद वाइट कलर दे दूंगा। और इस पे जो मैं फॉन्ट लगाने जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे फॉन्ट लगाना होगा ऐसा फॉन्ट जो इजीली रीडेबल हो और आसानी के साथ पढ़ा जाए, और ये जो जगह है वो भी कवर हो जाए। मैं स्पेस थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेता हूँ, ये मैं 50% की स्पेस बढ़ा रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, और साथ वेबसाइट का नाम जो आइकॉन है वो भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अब फ़ोन नंबर है, इसी की मैं कॉपी करके यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, और कलर उसका मैं आई थिंक ये वाला कर रहा हूँ, कलर ब्लू ही अच्छा रहेगा। और फ़ोन नंबर मैं बस वैसे ही लिख देता हूँ, 123 space 1234 space 1234 के बाद 5 6 7 8 9। ये मैंने रफ एक नंबर दे दिया डमी का, करेक्टर में जाके लैंग्वेज इंग्लिश कर दी है, और यहाँ से मैंने इसको ये करने के बाद मैंने इस नंबर को यहाँ रख दिया। नंबर को यहाँ रखने के बाद फॉन्ट मेरा दिल है, हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा बदल देते हैं, ये वाला नॉर्मल फॉन्ट। ठीक है, और इसके साथ मैं एक मोबाइल, अगर आइकन वगैरह मिल जाता है फ़ोन वाला तो वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं ले रहा हूँ। थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़, छोटा करने के बाद मैंने साइज़ इधर दे दिया, और इसी का कलर मैंने ये लगा लिया है। सबको सिलेक्ट करने के बाद लोगों को सिलेक्ट किया, आर्ट के साथ लोगों को फिक्स करके सेंटर में मैंने इसके फ़ोन नंबर डाल दिए। अब क्या है, डिज़ाइन जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैं इसके पीछे थोड़ा सा रेडियल इफेक्ट बना लेता हूँ आपके सामने, वो इफेक्ट हम यूज़ करेंगे, उससे काफ़ी सारा एक खूबसूरत लुक आ जाएगी। सर्विसेज उसने हमें दी नहीं है, वरना वो सर्विसेज जैसे इसने, यहाँ देखें ऊपर वाले डिज़ाइन में आप देख रहे हैं, ऊपर वाले डिज़ाइन में सर्विसेज लिखी हैं, वो हम लिख लेते हैं। सर्विस फिल वक्त हमारे पास नहीं अवेलेबल, तो सर्विस हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे। ठीक है, तो अब क्या है, रेडियल डिज़ाइन एक हम लगा लेते हैं। रेडियल डिज़ाइन मैंने यहाँ पे रखा, और ये वाला पॉइंट पकड़ के मैंने सेंटर में रखा, ये वाला पॉइंट भी मैंने सेंटर में रख दिया। सेंटर में करने के बाद अब आप देखें, मैंने गया हूँ इफेक्ट के अंदर, ट्रांसफॉर्म के अंदर, फिर ट्रांसफॉर्म, और ये सेंटर वाला पॉइंट पकड़ते हैं, प्रीव्यू करते हैं, 10 का एंगल रखते हैं, और कॉपीज़ मैंने 10 के हिसाब से मैंने जितनी कॉपी ऐड करनी है, मैं इसको कॉपी को ऐड करके, और अगर एंगल कम होगा ऑटोमेटिकली कॉपीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, ओके कर दिया मैंने जी। ओके करने के बाद इस सब को सिलेक्ट कर लें, इसको एक्सपेंड अपीयर कर लें। एक्सपेंड अपीयर करने के बाद आप इसको यहाँ से कट कर लें, कट करने के बाद इसको यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यही डिज़ाइन का कलर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ग्रे वाला शेड ले आते हैं और पेज डाउन कर लेते हैं। ब्रैकेट की मदद से हमने इसको पीछे कर लिया, यहाँ पे ये आ चुका है जी, वाइट के पीछे चला गया। अब हम वाइट के ऊपर ले आते हैं, ओपेसिटी इसकी कम कर लें आप। ओपेसिटी मैंने 30% रख लिया, 30% रखने के बाद मैंने एस्केप कर दिया। तो ये देखें एक छोटा सा डिज़ाइन जो एक लेआउट है वो हमारा बन चुका है। अब क्या करना है, अब ये वाला डिज़ाइन जो मैंने रखा था इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके पेज अप करते हैं, और यहाँ से मैंने मल्टी का इफेक्ट लगा दिया। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, ये डिज़ाइन थोड़ा सा लुक देख रहे हैं कैसा लग रहा है हमारा, थोड़ा सा डिज़ाइन को मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, और ये लोगो थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, दरवाजे के ऊपर लोगो ना आए। स्केप कर देते हैं, यहाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन बन गया है।
और इसी का मैं क्या करता हूँ, एक ऑप्शन मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और अब ये जो कलर है गोल्डन वाला, ये हम नीचे लगाते हैं, ब्लू वाली हम पट्टी लगा लेते हैं और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा, ये शेप वाला ऑटोमेटिकली हमारा इसके रेलिवेंट में दूसरा ऑप्शन हमारे पास बन चुका है। इसकी हम कॉपी करते हैं और पेज अप करते हैं और इसको मल्टी कर देते हैं ताकि वो हमारी लाइनों के इफेक्ट बन जाए। ये दो ऑप्शन बन चुके हैं जी, मैंने सेव कर दिया है और मैं इसकी जेपीजी बना लेता हूँ। जेपीजी बनाने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट करके क्लाइंट को दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्लाइंट क्या कहता है, मॉडिफिकेशन चेंजिंग वो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको डिज़ाइन का कंसेप्ट जो है कैसे शुरू करना है, कैसे बनाना है, आइडिया मिल गया होगा। तो अब क्या करते हैं, चैनल जो है हमारा वो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।